तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फाइनली यार एक नाज नई अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। एंड मैं लेके आया था यूनिवर्सल स्टैंड, जो कि मैं ऑफलाइन मार्केट से बाई करके लेके आया हूँ। एंड ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा महंगा था। एंड लास्ट में इसकी प्राइस के बारे में बात करूँगा कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्या प्राइस पड़ रही है इसकी, है ना। तो बाकी सारी बातें करेंगे। एंड ये था 360 यूनिवर्सल स्टैंड, जो कि मोबाइल एंड टैबलेट के लिए आता है। एंड ये कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिलता है, आप देख सकते हो सामने। एंड जो ट्राइपॉड है एंड उसका भी यहाँ पे आपको फोटो देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके का आता है ये। तो जल्दी से अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी। एंड ये एक यूनिवर्सल स्टैंड है, मैंने आपको पहले बताया दिया, 360 रोटेशन के साथ में आता है। एंड साइड्स में इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप ये चीज़ें इसमें होल्ड कर सकते हो, मोबाइल है, लाइट्स है एंड और भी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। माइक वगैरह भी आप लगा सकते हो इसके अंदर। एंड यार यहाँ से थोड़ा सा कुछ खुल गया था ये, तो कुछ इस तरीके से फट गया था ये बॉक्स। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल मोबाइल टैबलेट यूनिवर्सल स्टैंड, तो कुछ इस तरीके देखना पड़ता है। एंड ये कुछ ऐसा है, वाइट पैकेजिंग के साथ में आता है, वाइट एंड ब्लैक। एंड ये भी एक अंदर से ब्लैक कलर का ही देखने को मिलता है हमारे को। एंड यहाँ से अपन ओपन करते हैं इसको। तो कुछ बस यही देखने को मिलता है अपने को बॉक्स के अंदर। एंड ये कुछ तीन चीज़ें हैं बॉक्स के अंदर, बाकी बस और कुछ भी नहीं है। एंड फर्स्ट देखने को मिलता है अपने को ये क्लिप, एंड उसके बाद मोबाइल होल्डर, जो कि कुछ इस तरीके से आता है। एंड ये आते हैं टेबल क्लिप, जिससे आप स्टैंड को स्टैंड कर सकते हो। एंड ये है एक मोबाइल होल्डर, जो कि इस तरीके से आप इसमें टैबलेट भी लगा सकते हो, कुछ ये इतना ओपन हो जाता है। एंड फाइनली जो मेन यूनिट है वो ये है, सारा मोबाइल वगैरह लगाना होता है, ये सारी चीज़ें जो क्लिप्स वगैरह ये लगेगी इसके ऊपर। ये है मेन यूनिट, जिसके ऊपर अपनी क्लिप्स वगैरह ये मोबाइल होल्डर लगेगा। एंड यहाँ पे ये बॉल देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है, स्टील की बॉल है ये। एंड ये भी स्टील का देखने को मिलता है हमारे को। एंड यहाँ पे आपको वायरिंग एंड स्प्रिंग्स भी देखने को मिलते हैं, जिससे स्टैंड है वो काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है ये। एंड पूरा प्रॉपरली मेटल का यूज़ हुआ हुआ है इसके अंदर, एंड स्टील का यूज़ हुआ हुआ है इसमें। प्रीमियम ब्लैक कलर के साथ में आता है, काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। एंड फर्स्ट टाइम में तो यार मुझे काफ़ी छोटा लगा, मुझे लगा कि यार थोड़ा बड़ा लेना चाहिए था। एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया था, चलो हाँ ठीक है, मुझे ठीक लगा कि हाँ इतना ठीक है, यूज़ हो जाएगा। एंड आगे देखेंगे आगे क्या रह पाता है, एंड है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिसको लगा कर। तो फर्स्ट से पहले अपना कोई क्लिप देखने को मिलती है, जो टेबल क्लिप है, इसको अपने को ओपन करना है, या आपको ओपन करने को भी मिलेगा इसके अंदर। इसकी भी क्वालिटी जो है काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलती है, काफ़ी हैवी मेटल का यूज़ हुआ हुआ है इसमें। एंड आप इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं, एंड आपका जो भी टेबल का साइज़ हो आप उतना उसको ओपन कर लीजिए, उसके बाद में आप इसको टेबल में। तो इसलिए इसको लगाते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको लगाना है एंड इसको टाइट कर देना है। आप अपने टेबल के सेंटर में, साइड्स में एंड कॉर्नर्स में आप इसको लगा सकते हैं ईज़िली। एंड काफ़ी ईजिली ये रिमूव भी हो जाता है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया वीडियो को। एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी पकड़ हो गई थी टेबल के साथ में। एंड उसके बाद में अपन मेन यूनिट लगाते हैं अपना, जो कि स्टैंड है। आपको इसके अंदर एक होल देखने को मिलेगा, आपको उसमें ईजिली डाल देना है उसको। एंड पीछे एक स्क्रू होगा, तो उसको टाइट कर देना है, जिससे ये थोड़ा बहुत लूज ना रह जाए। एंड आप कुछ इस तरीके से इसको साइड्स एंड लेफ्ट राइट एंड अप डाउन कर सकते हो। एंड यहाँ पे अपने को बॉल देखने को मिलते हैं, यहाँ पे अपने को मोबाइल होल्डर लगाना है, जो कि कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ से अपन इसको ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे लेके आएंगे, एंड इसको कुछ इस तरीके से प्रेस कर देना है अंदर की तरफ। एंड सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, पहले अपने को वो कैप लगानी है, जो अपने कैप ओपन की थी। एंड इसको थोड़ा सा अंदर प्रेस कर देना है, टक की आवाज़ आएगी, तो ये ईजिली लग चुका है आपका। एंड इसको वापस से टाइट कर देना है, आपको जितना टाइट करना है उतना। एंड ये कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है अपना। एंड आप इसको आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अप डाउन एंड राइट लेफ्ट कर सकते हो। एंड आपको जितनी हाइट पे वीडियोस रिकॉर्ड करना है उतनी हाइट आप कर सकते हो। एंड प्रॉपर जो हाइट है वो इसकी ये है, आप देख सकते हो, ईजिली आप आराम से इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड हो जाती है। एंड प्रॉपरली जो ये हाइट है, इसमें पूरा टेबल आ जाता है।
एंड यहाँ पे आपको कुछ स्क्रू देखने को मिलते हैं, आप टाइट एंड लूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी आपको एक स्क्रू देखने को मिलेगा, आप यहाँ से भी इसको टाइट एंड लूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी आपको स्क्रू देखने को मिलेगा, टोटल इसमें 3 स्क्रू देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस तरीके से आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे इन स्क्रूज़ का यूज़ करके। एंड ये कुछ इस तरीके देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट आ गए थे, ये तो एक मेन इश्यू था इसका। एंड ये स्प्रिंग है, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इसने टेबल को होल्ड किया था। तो अब करते हैं इसके प्राइस की बात। तो ऑनलाइन है इसका प्राइस 850 एंड मैं लेके आया था इसको 400 में, एंड यह काफ़ी सस्ता पड़ गया मेरे को, हाफ प्राइस में मुझे पड़ गया था। मैं लेके आया था ऑफलाइन, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। एंड इस ट्राइपॉड से मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। तो फिलहाल तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Three, two, one.